हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी सेकेंड हाफ भी कंप्लीट हो चुका है और ये कुछ भाई लोग फिल्म देख के आए शैतान भाई लोगों, क्या नाम है आपका और कैसे लगी मूवी? भाई हमारा नाम आदर्श है, एक नंबर मूवी है बिल्कुल। मूवी में क्या बेस्ट लगा? हाँ जी हाँ जी बताइए, क्या नाम है आपका? नाम शुभम भाई, मूवी एक नंबर है। और आपका नाम भाई? भाई मेरा नाम राहुल है और मूवी फुल पैसा वसूल है। मूवी अभी आपने दोनों मतलब आई मीन पूरी कंप्लीट मूवी देख ली, हाँ जी, क्या बेस्ट पार्ट लगा मूवी के अंदर? बस वही जो शैतान जो एक था वो बहुत तगड़ा सीन था उसमें, जो लोंडिया जला रहा था सारी। अच्छा, अल्लाह प्रोम फादर था वो भी। ओ क्या जो क्या प्यार एक, हाँ हाँ जो प्यार था एक बाप के प्रति बेटे बेटी में वो बहुत तगड़ा था उसमें। और क्या क्या बेस्ट पार्ट लगा मूवी के अंदर और क्या बता, मतलब वो लोग सबसे बढ़िया बेस्ट है, मतलब पूरा पैसा वसूल है। अच्छा सारे भाई मतलब शुरू से ले गए एंड तक। अच्छा आप बताओ भाई, आपको कैसे लगे, क्या क्या बेस्ट पार्ट लगा ये बताओ सर। मतलब मूवी देखी आपने, आपको क्या अच्छा पार्ट? तो सारे बेस्ट लगे लेकिन एंड का सीन बहुत मस्त लगा, एंड के लास्ट के 30 मिनट्स के अजय देखो उनकी एक्टिंग कैसी रही, एक नंबर। फिल्म में क्या मैसेज दे रहा है ये फिल्म, आपने देखी क्या मैसेज दे रहा है? एक बाप अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है। अच्छा यही एक जो मैसेज था। और ये काले जादू पे फिल्म है, ब्लैक मैजिक पे, क्या आपको भरोसा है कि ब्लैक मैजिक और तांत्रिक से नहीं, होती नहीं, है? ये सब नहीं होता, ये तो फिल्म में भी लिख के साइड में दे दिया कि ये सब एक अंधविश्वास है और कुछ नहीं है। अच्छा भगवान पे विश्वास है? भगवान पे तो हर कोई विश्वास करता है, भूत पे विश्वास नहीं है? भूत पे नहीं है। अच्छा दोस्तों अभी जैसा कि हमने फिल्म को देखा और फिल्म के हिसाब से रेटिंग कितना देना चाहोगे आप? रेटिंग में 10 out of 9। और क्या क्या अच्छा लगा मतलब उसमें मूवी जो आपने देखी शुरू से लेकर एंड तक की बात करो तो, अभी आप किसी को रिकमेंड करोगे तो क्या बेस्ट लगा? आप किसी को बोलोगे तो कैसे प्रमोट करोगे, मतलब क्या बेस्ट लगा मूवी के अंदर और क्या क्या चीज देखी आपने? मैं तो यही कहना चाहूंगा मतलब तो ये क्या लगता है मूवी करोड़ों कमा लेगी? आराम से बिल्कुल ये चलनी चाहिए मूवी वैसे। ओके ओके, सो दोस्तों ये भाई लोग थे, कहाँ रहते हो? इधर ही रहते हो आप? हम यही लोनी में, न्यू विकास नगर। ओके ओके, तो भाई आप कुछ कहना चाहते हो? आप भी आ जाओ, ये भाई हमारे, क्या नाम है आपका? राहुल है भाई मेरा नाम। ओके, मूवी एकदम मस्त थी, मूवी बढ़िया है। हाँ, जो लव ऑफ फादर दिखा रखा है इसमें ये काफी भी अच्छा है। हाँ। ओके ओके, 5 में से कितना दोगे? 5 में से 5। डायरेक्शन कैसा लगा? VFX था इसमें, स्टोरी की लाइन क्या थी? स्टोरी ऐसा लगा कि सीट से उठना चाहिए या बैठे रहना चाहिए? नहीं, सीट से तो बिल्कुल उठने का मतलब मजा आया, सस्पेंस था मूवी के अंदर, एक एक्साइटमेंट थी। सो दोस्तों ये हमारे भाई लोग थे, थैंक यू भाई। ये रवि चौधरी तेरी मेरी बातें चैनल पे आ जाएगा, सब्सक्राइब कर लेना। सो दोस्तों थैंक यू, जैसे कि आपने देखा कि बेसिकली ये मूवी काफ़ी ज़्यादा, आज मैं फर्स्ट डे इसका दोबारा देखने आया हूँ बेसिकली, और यह बहुत अच्छी मूवी है सच्ची बता रहा हूँ मैं। और सबसे ज़्यादा खास बात यह है इस मूवी के अंदर कि यार जो स्टोरी है, जो अजय देवगन की एक्टिंग है, मैंने बताया भी था अपने रिव्यू में यार, माधवन और जो पब्लिक के रिस्पॉन्स आ रही है, आज भी थिएटर हाउसफुल था। इसके साथ ही साथ भाई कमाल की मूवी है और आई थिंक दोस्तों ये मूवी आपको देखना चाहिए, एडवांस बुकिंग कर लो यार और फटाफट थिएटर तक आ जाओ। अजय देवगन ऑफकोर्स कम बजट की फिल्में बना रहे हैं लेकिन यार कम बजट में ये फिल्म में मुझे पता है कि बॉक्स ऑफिस पे हिट है, ब्लॉकबस्टर है। और अभी मैं दूसरी बार देखने आ रहा हूँ बेसिकली मूवी यार, क्योंकि सुबह भी मैं 6 बजे का शो देखा था, अभी फिर से मैं एक बार 11 बजे का शो देखा और इस 11 बजे के शो में आज भी ऑक्यूपेंसी जो है लगभग मुझे 60-70% देखी है, ये कम से कम दोपहर की ऑक्यूपेंसी, और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी काफ़ी अच्छी थी और भाई बॉक्स ऑफिस पे गर्दा मचा देगी, मतलब मुझे लगता है कि आज कम से कम भी 11 से 12 करोड़ आना ही चाहिए और बहुत अच्छा कलेक्शंस कर रही है। तो आपने देखा कि जनता जो है अपने अच्छे रिव्यू दे रही है फिल्म में, काफ़ी अच्छा कुछ था। और दोस्तों बाकी आपके सामने मैं रिएक्शंस और लेते रहूँगा, थैंक यू सो मच देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।